तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान के डे 10 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फुल रिपोर्ट आ चुकी है। यानी कल की सेकेंड सैटरडे की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट ऑफिशियल आ चुकी है, जो मेकर्स ने रिवील करी है, रिलीज करी है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सिर्फ हिंदी से कल पूरे दिन में कमाई करी है मूवी ने 30.10 करोड़, अराउंड में 30 करोड़ ही मान के चलो राउंड फिगर में। तमिल से 80 लाख की कलेक्शन करी, तेलुगु से 90 लाख की, तो टोटल तमिल और तेलुगु दोनों लैंग्वेज को मिला के 1.70 करोड़ का कलेक्शन आया था कल 10वें दिन में, सेकेंड सैटरडे में। और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को अगर मिला के बताऊँ तो 31.80 करोड़ के ऑफिशियल कलेक्शन आया कल पूरे दिन से, राउंड फिगर में 32 करोड़ ही मान के चलो। तो कल सैटरडे में जो धमाल मचाया है, बाय गॉड ऑसम। तो अभी जो वर्किंग डे में जो नंबर हमें स्लो देखने को मिल रहे थे, 2 से 3 दिन पहले तक 22 करोड़ 23 करोड़ 24 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन देखने को मिल रहा था, तो सैटरडे में जो ह्यूज उछाल मारी है, और आज तो संडे है, तो संडे में भी आज जबरदस्त काम करने वाली है, जबरदस्त ग्रोथ करने वाली है, जबरदस्त ह्यूज कलेक्शन कर रही है। जो ओपनिंग डे का कलेक्शन होता है बहुत सी बॉलीवुड मूवीज का या हिंदी मूवीज का अगर देखें तो इसी के साथ अगर मैं बताऊं तो राउंड फिगर में टोटल नेट कलेक्शन कितना कर लिया, 32 करोड़, और ग्रॉस इंडियन कलेक्शन कितना रहा फुल डे का कल को, 40 करोड़, और कल सिर्फ ओवरसीज से मूवी ने कमाया है 37 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन। भाई साहब ऐसी ह्यूज कलेक्शन करी है, मतलब पठान के डे 1 के ओवरसीज कलेक्शन के रिकॉर्ड के बराबर आया है ये कलेक्शन, या उससे थोड़ा सा ज्यादा है या थोड़ा सा कम हो, तो ह्यूज कलेक्शन आया है ओवरसीज से, धमाकेदार कलेक्शन आया है कल को। और पूरी दुनिया से कल 10वें दिन में एंड ऑफ द डे तक मूवी ने 70 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया है भाई साहब। तो मेरा अर्ली प्रिडिक्शन रिपोर्ट कितना था, डे 10 की अर्ली प्रिडिक्शन रिपोर्ट में बताया था अराउंड में 70 करोड़ में मान के चल रहा था, लेकिन यहाँ पर 7 करोड़ ज़्यादा ऑफिशियल कनेक्शन आया है बाय गॉड। और मैं उस टाइम मैंने वो बोला भी था कि अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखते हैं, उम्मीद कम रखते हैं, और जब ऑफिशियल कलेक्शन आएगा तो ये बढ़ा के आएगा, और बाय गॉड बढ़ा के आया है और जबरदस्त बढ़ा के आया है। तो इसी के साथ बात करें कि पहले 10 दिन में मूवी ने कितनी कमाई कर ली है, तो पहले 10 दिन में सिर्फ हिंदी से मूवी ने 396 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया है। बाय गॉड सिर्फ 4 करोड़ कम रह गए कल 10वें दिन में 400 करोड़ कंप्लीट करने में, वो भी सिर्फ हिंदी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी कोई छोटा मोटा आंकड़ा है या अभी भी ह्यूज कलेक्शन है, हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस है, हिस्ट्री मेकिंग आंकड़ा है। बाय गॉड कोई भी मूवी हिंदी से इतनी बड़ी कलेक्शन सिर्फ 10 दिन में नहीं कर पाई है, कहां तो मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन में भी इतना नहीं कर पाती है, 200 करोड़ में ही सिमट के रह जाती है बहुत सी एवरेज मूवी, बॉलीवुड और हिंदी मूवी की बात करूं तो। इसी के साथ टोटल नेट इंडियन कलेक्शन मूवी का कल 10वें दिन तक हो चुका था 442 करोड़। बाय साहब ह्यूज ह्यूज कलेक्शन, ह्यूज कलेक्शन बाय गॉड। और आज का जो 11वें दिन का संडे की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, अगर संडे की रिपोर्ट आ जाती है तो ये आंकड़ा मैं मान के चल रहा हूँ नेट इंडिया से 470 करोड़ टच करेगा ही करेगा, इसे भी क्रॉस कर जाएगा। तो ये बात आज डे 11 की फाइनल अर्ली एस्टिमेट की बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन की रिपोर्ट आएगी तो उसमें एक एक करके चर्चा कर लेंगे कि आज कैसी क्या ग्रोथ रही है, कितनी कमाई करी है मूवी ने, और अभी तक पूरी दुनिया से कितनी कमाई कर ली है मूवी ने। 10वें दिन तक की बात कर रहा हूँ, पहले 10 दिन में मूवी ने 797.50 करोड़ यानी 798 करोड़ का कलेक्शन मूवी ने पहले 10 दिन में कर लिया है। भाई साहब मात्र 2 करोड़ कम रह गए, 2.5 करोड़ कम रह गए 800 करोड़ होने में पहले 10 दिन में ही, और बाय गॉड ये ह्यूज कलेक्शन है, ये अनबीटेबल रिकॉर्ड है, अनबीटेबल आंकड़ा आया है, बाय गॉड अनडिस्प्यूटेड आंकड़ा है, मतलब जितने तारीफें करूँ उतना कम है, क्योंकि ऐसा हिंदी मूवी बॉलीवुड मूवी का रुझान हमने कभी देखा ही नहीं, अभी तक तो नहीं देखा था, लेकिन जवान ने क्या कमाई करी है, क्या हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस दी है, भाई गॉड मज़ा आ गया। तो अभी आज का संडे की ऑफिशियल रिपोर्ट आना बाकी है और मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो कल अर्ली एस्टिमेट में मैंने क्या प्रिडिक्शन किया था कि 795 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया से आएगा, लेकिन भाई गॉड देखो ना 3 करोड़ ज़्यादा ही आया है। तो ये अर्ली प्रिडिक्शन स्लाइटली टच करके, स्लाइटली टच नहीं अबव देन गया, तो उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है ना तो बहुत मज़ा आता है भाई गॉड। तो आज संडे है, आज संडे में ये मूवी 850 करोड़ टच कर ही जाएगी, टच
नहीं क्रॉस कर जाएगी, मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन मिनिमम 850 करोड़ का आंकड़ा रख रहे हैं। तो अभी आप लोगों का क्या कहना है कि मोबी 1000 करोड़ कब कंप्लीट कर सकती है? क्या थर्सडे या फ्राइडे तक कंप्लीट कर सकती है या फिर संडे तक 1000 करोड़ कंप्लीट करेगी और क्रॉस कर जाएगी? ये सब आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। और लाइफ टाइम कलेक्शन, ये मूवी मैं फिर कह रहा हूँ, क्या 1400 करोड़ कमाएगी, 1500 करोड़ कमाएगी या एक बार के लिए बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ जाएगी 1800 करोड़ के कलेक्शन को पूरी दुनिया से? तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।